हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड आज का कॉल है भूरा रानी सर यहाँ पे आया हूँ। भैया जो है मुझे कॉल किया था यादव जी है भूरा रानी में। तो फ्रेंड निकालते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लाइट जलाना पड़ेगा। हाँ लाइट को हम ये लो। तो फ्रेंड यहाँ पे जहाँ तक हमें दिख रहा है एक मोनोपोल कोबरा है। तो फ्रेंड यहाँ पे एक मोनोपोल कोबरा है जो कि बहुत ही आक्रामक होते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो फ्रेंड आखिर हमने रेस्ट को कर लिया और दिखाएंगे थोड़ा सा आप लोगों को। बड़ा मोटा दिखा बहुत सारा लगता है। कौन किसका भैया? फ्रेंड मोनोपोल कोबरा बहुत ही खतरनाक कोबरा माना जाता है क्योंकि गर्मी का सीजन वैसे भी आ चुका है और ये कोबरा जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन जहर होता है और इसका साइंटिफिक नेम नाजा कोथिया बहुत खतरनाक सांप है। तो फ्रेंड सांपों की कई सारी प्रजाति हमारे भारत देश में पाए जाते हैं जिनमें से एक मोनोपोल कोबरा के नाम से नहीं जानते हैं। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सांप जैसे हम मोनोपोल कोबरा के नाम से जानते हैं। भैया ये कब दिखा आपको? ये 2 घंटे हो गए। 2-3 बजे। तो फ्रेंड जब हमने सही सलामत इसे रेस्क्यू किया तो अभी इसको सही सलामत लेके चलेंगे। बहुत ही आक्रामक सांप है। आप देख सकते हैं कोबरा का जितनी भी प्रजातियां होती है इसमें से बहुत ही खतरनाक सांप ये होता है। कहीं पे इसको हिंदी में चंद्रनाग के नाम से जानते हैं और बंगला में तो हर कोई सांप देखता है तो कोबरा ही बोलते हैं चाहे धामन को क्यों ना देख लिया। लेकिन ये बहुत ही आक्रामक होते हैं। भैया ये 1-2 घंटा पहले दिखा ना। तो चलो ये एक बात तो सही है कि आप लोग सांप नहीं मारते हैं। नहीं मारा सांप को बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगल बगल में ना बहुत सारे रेस्क्यूअर सांप पकड़ने वाला होता है आप लोग उसे कॉल कर लिया करो। ठीक है उसे कॉल कर लिया करो तो इससे ये होगा ना आपका भी फायदा हो जाएगा। आप घर से सांप नहीं निकलेगा नहीं तो परिवार को भयभीत होते हैं डरे हुए रहते हैं। हाँ भैया यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। चलो कुछ दो मैं पैक करता हूँ इसको। कोई कट्टा वट्टा दो कुछ दो। अरे बोरी नहीं है बोरी बोरी है क्या? बोरी नहीं है। भैया एक बोरी लाओ ना। बोरी हो डब्बा हो कुछ भी हो लिया गुस्सा हो गया ना। भैया एक सांप दो मर जाएगा। वो मर जाएगा उसमें सीमेंट में उसमें केमिकल मिला हुआ होता है ना सीमेंट में। आयुष अरे प्लास्टिक का डब्बा नहीं कौन सा? आयुष एक डब्बा लिया हाँ ये बहुत बड़ा होता है 5-6 फीट तक हो जाते हैं। ये बच्चा ही है। ये
जब हमें डर अगर हमें डर लगेगा तो आप लोगों को बचाएगा कौन से? बहुत ही आग्रह बात यही एक चीज है। देखो हर कोई सोचता ना कि सांप पकड़ने का मंत्र होता है, हमारे पास अगर सांप पकड़ने का मंत्र होता ना तो हम डायरेक्ट इसको मुंह में हाथ डाल देते हैं तो पकड़ लेते हैं। डर हमें नहीं निकाला, पूरा यूट्यूब अरे डब्बा है कोई? कोई डब्बा दे दो या तो जो भी दो साफ सुथरा दो ताकि इनका जान बचे मरे ना। नहा तो लिया हूँ यार, लिया फटाफट लिया आप लिया। हाँ पूछो। ना साफ दूध नहीं पीते, सांप जो होता है ये कैल्शियम को हजम नहीं कर पाता, ये वो खाली एक अंधविश्वास है जो हमारे पूर्वज लोग कहते हैं ना वही हम मानते हुए चले आते हैं। दूध नहीं पीते लेकिन सांप पानी पी सकते हैं, पानी बहुत जबरदस्त पीता है लेकिन दूध नहीं पी सकते। पी तो दूध भी पी सकता है लेकिन इसका मतलब दूध ना पीना कोई शौक नहीं है इनका, उसको मोनिटरिंग होगा वो कुछ देर बाद मर जाएगा। ये हमारे पूर्वजों से चला रहा है इसलिए चलाते हैं। लिया लिया ये फटाफट लिया पानी। अब ये गर्मी का टाइम आ चुका है ना, सांप हर रोज निकले करेंगे घर से। तो फ्रेंड करते हैं पैक और लेके चलते हैं एक अच्छी जगह पर, करेंगे इसको रिलीज। कौन है भैया? कौन है? थोड़ा घुमा दे भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक सांप को बचाया। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है भैया? ये सांप जो आपने बचाने समर पर्यावरण ठीक है, ये हमारे इको सिस्टम को डिसबैलेंस होने से बचाया ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस सांप को बचाया। स्नैक रेस्क्यू यूके क्या क्या स्नैक रेस्क्यू फ्रेंड जो स्नैक हमने बुरा से रेस्क्यू किया था और उसको वन विभाग अधिकारी को सूचना दिया था। तो दरअसल मोनोकल कोबरा बहुत कम मिलता है, तो सर को मैंने जब कॉल किया तो सर कह रहे हैं कि यहाँ पे सर लोग बाहर हैं, यहाँ पे आज कोई है नहीं तो हम हैंड ओवर करते हैं यहाँ पे और सर वो आके खुद ब खुद जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं सब मिलकर रिलीज करेंगे। तो फ्रेंड इसीलिए हम इसको हैंड ओवर कर रहे हैं यहाँ पे और लमसम 15 से 20 मिनट बाद वो आ जाएंगे, लेकिन हमारा घर बहुत दूर है हमें जाना भी पड़ेगा इसलिए हम उनको हैंड ओवर कर दिए हैं और अभी हम जाएंगे घर। तो फ्रेंड हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना इस वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।